एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक शादाबाद में स्थित नेट कली गाँव पहुँचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी पर 2150 वोटरों द्वारा गुड्डी देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 102 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, 30 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 12 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 315 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 50 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार से 150 स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग। मैंने अपने गांव में 320 शौचालय बनवाए हैं और काम जारी है और बहुत जल्दी गांव को ODF करने का प्रयासरत है। हम लोग गांव में हमने CC कार्य भी कराए हैं, इंटरलॉकिंग कराई है और गांव के विकास में हम तन मन धन से लगे हुए भी हैं। मेरे गांव में ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही पंचायत भवन है और गाँव में एक गांव खारा पानी का गांव है, उसमें कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उसमें टंकी वंकी नहीं है। तो गांव में सरकार की तरफ से कोई सुनाई हो तो पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गाँव में विद्युतीकरण हुआ है, उसमें भी जर्जर लाइन पड़ी हुई है, उसमें दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हम शिकायत भी कर चुके हैं कई बार। हम लोग केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत ग्राम निधि में जो धनराशि आती है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से थोड़ी आती है, जिससे गाँव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वो ज़्यादा धनराशि दे, हमारे खाते में ज़्यादा पैसा भेजने का काम करें, जिससे गांव का सर्वांगीण विकास हो सके।